जो है इसका नुकसान तो होता ही है, कम सुनाई देने का असर होता है इसका। एक बैल फार्म पर है उससे आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है। प्रेशर हॉर्न जो मार्ग में म्यूजिक व्यूजिक लगे हैं वो बहुत तगड़े बजते हैं, वो कान पे भी असर डालते हैं और कामों में बाधे डालते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस रहेगा। इसको अचानक प्रेशर वाला हॉर्न झटका आदमी गश्त भी हो जाता है तो ऐसे दिक्कत आ जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। प्रेशर हॉर्न तो देखा जाए एक तरीके से यूज ही नहीं करना चाहिए। हॉर्न से प्रॉब्लम हम लोगों को भी होती है, पब्लिक को भी होती है। प्रेशर हॉर्न का जो है चालान होता है, मैं छोटा जो स्टेज पर चालान करता हूँ, जो नाजा धूड़ा लगा है उसको भी चालान करता हूँ। सर हमारे कानों को कितनी डेसिबल्स में आवाज सुनने की आदत होती है जिससे वो हार्म नहीं होती? अराउंड 40 डेसिबल का रहता है। हॉर्न प्रॉब्लम देता है कि हॉर्न जितने ये बजते हैं हॉर्न वो 120 डीबी से ऊपर के होते हैं। अब चिल्लाना बंद करो, हॉर्न बजाना बंद करो, बंद करो बंद करो, हॉर्न बजाना बंद करो। तेज ध्वनि के कारण लोगों के सुनने की क्षमता कम हो जाती है। हॉर्न एक लिमिटेड यूज के लिए बनाया गया है। में जो जितने लोग फेस कर रहे हैं नॉइस पोल्यूशन तो उससे छुटकारा दिलाना चाहते हो? एब्सोल्युटली, गुड लक। जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं मैं चाहती हूँ कि वो बेवजह हॉर्न ना बजाएं। अब चिल्लाना बंद करो, हॉर्न बजाना बंद करो। थैंक यू सो मच सनबीम लहर तारा फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव और उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ लोग तो इसके बाद बदलेंगे।